इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब आज के पाकिस्तान और 7वीं शताब्दी के सिंधु देश पर राजपूत वंश के राजा राय साहसी का राज्य था। राय साहसी का कोई संतान नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काश्मीरी ब्राह्मण चच को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राय साहसी के देहांत के बाद चच ने राज गद्दी संभाली। राजा दाहिर चच के ही पुत्र थे। राजा चच ने ऊंचे पदों से स्थानीय जातियों के लोगों को हटाना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय जाति के लोग उनसे नाराज हो गए। राजा चच के असमय देहांत के बाद उनका भाई चंद्रसेन ने कारभार संभाली, परंतु चंद्रसेन ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म को ही राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया, जिससे ब्राह्मण नाराज हो गए। इन सभी गलतियों का सुधार किया राजा दाहिर ने, जब वह राजा चंद्रसेन की देहांत के बाद 18 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठे। राजा दाहिर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों वाला था, जिसके कारण विभिन्न धर्म के लोग शांति पूर्वक रहते थे। जहां हिंदुओं के मंदिर, पारसियों के अग्नि मंदिर, बौद्ध स्तूप और अरब से आकर बस गए मुसलमानों को समुद्र के किनारे बसने की अनुमति दी गई, जहां से अरबों का व्यापार चलता था। लेकिन इन अरबों ने राजा के साथ धोखा किया। एक बार एक अरबी जहाज सिंधु नदी के तट पर खड़ी थी। जहाज में सवार अरब व्यापारियों के सुरक्षा कर्मियों ने देवल के शहर पर बिना कारण हमला कर दिया और शहर की महिलाओं को कैद कर लिया। जब इसका समाचार सूबेदार को मिला तो उसने अपने रक्षकों सहित जहाज पर आक्रमण कर औरतों को मुक्त कराया। अरबी जान बचाकर जहाज लेकर भाग खड़े हुए। उन दिनों ईरान में धर्मगुरु खलीफा का शासन था। हज्जाज उनका मंत्री था। खलीफा के पूर्वजों ने सिंध फतह करने के मंसूबे बनाए थे, लेकिन अब तक इन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। अरब व्यापारियों ने खलीफा के सामने उपस्थित होकर सिंध में हुई घटना को लूटपाट घटना बोलकर शांतिपूर्वक इस बात को खत्म कर दिया। खलीफा सिंध पर आक्रमण करने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। उसने अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के नेतृत्व में अरबी सैनिकों का दल सिंध विजय करने के लिए रवाना किया, परंतु इन सैनिकों का डटकर सामना सिंध के वीरों ने किया, और तो और उनका सेनापति अब्दुल्ला को भी जान से हाथ धोना पड़ा। खलीफा अपनी हार से तिलमिला उठा। इसके बाद 10,000 सैनिकों का एक दल सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया, परंतु मोहम्मद बिन कासिम का भी राजा दाहिर की सेनाओं ने डटकर सामना किया और कासिम को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक अरबी सेना हार के कगार पर खड़ी थी, परंतु उनके दो लोग ज्ञान बुद्ध और मोक्षवाद अरबों से जा मिले। अगले दिन भयंकर युद्ध का फिर से आगाज हुआ, परंतु सिंध सैनिकों में फूट होने की वजह से सेना हार की कगार पर जाने लगी। राजा को उनके सलाहकार ने सलाह दिया कि वो अपने पड़ोसी राज्य में चले जाए, परंतु राजा ने कहा, अगर इस युद्ध में मेरी जीत होती है तो राज्य और मजबूत होगा, और यदि मैं असफल रहा तो फिर भी इतिहास मुझे सदैव याद रखेगा। राजा युद्ध भूमि में चले गए और डटकर अरबों का सामना किया, परंतु अरबों ने षड्यंत्र के तहत राजा पर हमला कर दिया और राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज की वीरगति और अरबी सेना की आलोर की ओर बढ़ने की समाचार से रानी सचेत हो गई। सिंधी वीरांगनाओं ने अरबी सेनाओं का स्वागत तीरों और भालों की वर्षा के साथ किया। जब अरबी सेनाओं के सामने वह टिक नहीं पाई तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर कर लिया। जब यह समाचार पूरे भारत में आग की तरफ फैला, तब मेवाड़ के बप्पा रावल ने सभी हिंदुस्तान के राजाओं को एकत्रित किया और अरबों को ईरान और खुरासान तक दौड़ा दौड़ा कर मारा। उन्होंने अरबों को ऐसी हार चखाई कि आने वाले 400 सालों तक किसी विदेशी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है बप्पा रावल पर, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।